हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवेंट ट्यूटोरियल के क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 1 में। इसमें हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है, किसकी मदद से करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण क्या है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम सीखेंगे करंट क्या होता है। करंट मीन्स फ्लो। किसका फ्लो? मैटर का फ्लो। अब मैटर कोई भी हो सकती है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा, तो आप इस वाटर फ्लो को आप नाम दोगे वाटर करंट। सेम वे में विंड ब्लो कर रही है, विंड फ्लो कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही, तो आप इसको नाम दोगे विंड करंट। सेम वे में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता, ये बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस फ्लो को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। या फिर आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसे आप नाम दोगे इलेक्ट्रिक करंट। क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में ये जो नॉर्मल सरफेस है इसे आप बोलते हो क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो कर जा रहा है, ये आपका है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट टाइम। तो आपने कोई चार्ज फ्लो किया किसी टाइम में, तो सवाल है एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो आप चार्ज को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो, एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि चार्ज फ्लो करता ही क्यों है, कैसे करता है। तो जैसे एक टैंक ए और टैंक बी है, टैंक ए को कुछ ऊंचाई पे आप किसी हाइट पे रखो एंड दोनों टैंक्स को एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए। बीच में हमने एक स्टॉपर लगा दिया जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकेगा। जो ऊंचाई पे टैंक है उसमें पानी आप फिल कर दीजिए, नीचे वाला एम्प्टी है। जैसे हम ये टैब ओपन करेंगे, हाइट पे रखे टैंक से पानी फ्लो करने लगेगा उस टैंक की तरफ जो कि नीचे की तरफ रखा है। और ये इसी तरीके से दो बॉडीज, एक बॉडी है हाई टेम्परेचर 60 डिग्री पे और दूसरी बॉडी है लो टेम्परेचर 20 डिग्री पे, जब आप इन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाते हो, तो चूंकि जो हाई टेम्परेचर पे बॉडी है वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह, और तब तक ट्रांसफर करेगी जब इन दोनों बॉडीज के टेम्परेचर 40 और 40 नहीं हो जाते। यहाँ पे क्या फ्लो किया, यहाँ पे हीट फ्लो की, यानी कि आप हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। वैसे ही एक डिवाइस होती है जिसे आप सेल बोलते हो, और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल। प्लस टर्मिनल को आप नाम दे तो हाई पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल के बीच का, टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा उसे आप नाम दोगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक सेल का काम क्या होता, सेल का हमेशा काम होगा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना। हमें किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल सेल का यही काम होता है। नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा ये बात। और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। ये इलेक्ट्रॉन देखिए रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उसका अफेक्शन विद द न्यूक्लियस डिक्रीज करता है और वो कम फोर्स से बाइंड रहता है विद द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड, इसे नाम हम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन नॉन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट इज मोर। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जैसे कि 5 होंगे 6 होंगे 7 होंगे नॉन मेटल्स में, और ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बाउंड रहते हैं विद द न्यूक्लियस। वहीं मेटल्स में क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज लेस,
जैसे कि एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, जिनके आउटर शेल में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं को तो आप मेटल बोलते हो। हैंस इलेक्ट्रॉन आर हाईली बाउंड विद द न्यूक्लियस, और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लाइटली बाउंड रहते हैं। मेटल्स में लाइटली बाउंड और नॉन मेटल्स में हाईली बाउंड। तो इस लाइटली बाउंड होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देखो बाहर निकल आया, जो ये बाहर निकल आएगा तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये इजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसी को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस आर क्लासीफाइड एज, तो मटेरियल को आप तीन तरीके से क्लासीफाई करोगे। कंडक्टर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर होता है लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक सेमी कंडक्टर होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं एट रूम टेम्परेचर बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट नहीं है बट इफ यू वॉन्ट तो आप इनमें क्रिएट कर सकते हो बाई सम प्रोसेस। सेमी कंडक्टर से ही सिम कार्ड बना होता है आपका, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू इट इजली इज कॉल्ड ए, इसको हम क्या नाम देंगे, इंसुलेटर, जो करंट को पास ना करने दे थ्रू द मटेरियल, ऐसे मटेरियल कहे जाते हैं इंसुलेटर। नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कहा जाता है। सब्सटेंस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन बट कैन डेवलप अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड, उसे आपने सेमी कंडक्टर का नाम दिया था। फंक्शन ऑफ सेल इज, हम लोगों ने सीखा था सेल का फंक्शन होता है टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ कुछ आगे की बातें करते हैं। फ्लो ऑफ करंट इन ए वायर, वायर में करंट फ्लो कैसे करता है जरा बात करते हैं। एक आपके पास कंडक्टर का स्पेसिमेन है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूसली एक रैंडम मोशन में होते हैं, लगातार न्यूक्लियस लगातार आपस में कोलाइड करते हैं। तो एटम इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो आप अगर देखो तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का सेपरेशन 5, वर्टिकल सेपरेशन 4 और डायगोनल सेपरेशन 6। तो अगर हम फील करते हैं जब आप एक सेल कनेक्ट करोगे तो सेल क्या करता है, सेल में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है और वो सर्किट में कुछ इस तरह पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मूव विद ए सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट, एवरेज वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। लेकिन कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट आप किधर से किधर लोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव कंसीडर करोगे। चलिए आगे की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हाई पोटेंशियल मेंटेन किया, दूसरी बॉडी इंसुलेटिंग स्टैंड पे आपने खड़ी की जिसको आपने नेगेटिव पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल पे मेंटेन किया। दोनों को जब आप एक वायर से कनेक्ट करते हो तो मेटल वायर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ड्यू टू डिफरेंस इन द पोटेंशियल चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, और चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल या फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगता है। एज द चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन, याद रखिएगा जब भी चार्ज फ्लो करता है कोई दो पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच, दो टर्मिनल के बीच, तो वहां पे एक वर्क डन होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जाता है और डेफिनेशन एकदम स्ट्रेट एंड क्लियर है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप एक कूलाम चार्ज को लेके जाओ, जितना वर्क करना पड़े वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच ग्राउंड की तरफ मूव करता है और ये लाइटनिंग अकर होती है।
रेजिस्टेंस है, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट द ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इस बात को आप क्या नाम दोगे? कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट कंसीडर आप करते हो। द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट, सेल का काम क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। एज द सेल कंटेन हाई पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, तो इससे क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज, अर्थ का पोटेंशियल आप जीरो कंसीडर करते हैं।